सैमसंग अपने यूजर्स को कई तरह के फीचर्स ऑफर करता है जो दूसरे एंड्रॉयड फोन्स में नहीं मिलते हैं। ऐसा ही एक फीचर बिक्सबी वॉइस असिस्टेंट का है। वैसे तो एंड्रॉयड फोन्स में गूगल वॉइस असिस्टेंट मिलता है, लेकिन सैमसंग अपना अलग से वॉइस असिस्टेंट भी देता है। ये वॉइस असिस्टेंट आपके लिए किसी फोन कॉल पर बात भी कर सकता है। सैमसंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक स्टेप ऊपर ले जाते हुए एक ऐसा नया फीचर लॉन्च किया है जिसकी मदद से कोई भी अपनी आवाज के नकल के साथ साथ फोन पर अपनी आवाज में बातचीत भी करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये फीचर फोन को और भी ज्यादा यूजफुल बना सकता है, लेकिन ये फीचर सिर्फ कोरिया में एक्सेस किया जा सकता है। कोरिया में सैमसंग ने अपने वॉइस असिस्टेंट बिक्सबी के साथ ये फीचर जोड़ा है। बिक्सबी पर एक फीचर टेक्स्ट कॉल का मिलता है। इस फीचर की मदद से फोन किसी कॉल का आंसर एक टेक्स्ट मैसेज को पढ़कर दे देता है। यानी किसी मौके पर अगर यूजर बोल नहीं पाते हैं और अगर वो मैसेज टाइप करते हैं तो बिक्सबी यूजर का मैसेज पढ़कर दूसरे यूजर को बता देगा। लेकिन अब इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने से अपडेटेड फीचर मिलेगा। दरअसल गूगल असिस्टेंट का यूसेज फोन कॉलिंग के कुछ हिस्सों को ऑटोमेटिक करने के लिए कर रहा है। इस फीचर को चैट जीपीटी की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। सैमसंग का ये न्यू फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस क्लोनिंग नहीं है, जो यूजर के आवाज में लोगों से बात करने लगेगा। ये यूजर के कमांड पर काम करेगा। सैमसंग बिक्सबी कस्टम वॉइस क्रिएटर के जरिए यूजर कई सेंटेंसेस को अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इन सेंटेंसेस का यूसेज यूजर किसी कॉल के जवाब में कर सकते हैं। सैमसंग इस फीचर को बिक्सबी टेक्स्ट कॉल की तरह पेश कर रहा है। आगे दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये फीचर सैमसंग के दूसरे एप्स पर भी अवेलेबल होगा। और ये अभी क्लियर नहीं है कि बिक्सबी टेक्स्ट मैसेज कॉल्स को भी यूजर की आवाज में पढ़ेगा या फिर अपनी आवाज में ही बातें करेगा। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.